एवरीवन, मैं हूं ऋतु मेजल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूं जो आपके किचन से लेकर आपके हेल्थ तक हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही टाइम से इसका इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर में होता आ रहा है और आज मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में, किसी स्टडीज़ के, किसी वेबसाइट के पेज में या किसी वीडियो में कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा, क्योंकि आजकल इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रूव हुए हैं। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि एप्पल साइडर विनेगर में कुछ ऐसे बेनिफिशियल हेल्थ प्रॉपर्टीज होती है एज लाइक एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सदियों से लोग इसे खाने में और मेडिसिन पर्पस इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और वही आज हम गिनाने वाले हैं, एज लाइक एडिंग वेट लॉस, रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, लोअरिंग योर ब्लड शुगर लेवल एंड इम्प्रूविंग द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। चलिए फटाफट से हम शॉर्ट में इसके हेल्थ बेनिफिट्स को थोड़ा सेलिब्रेटली बात कर ले। देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो है एसिडिक एसिड, जो एप्पल साइडर विनेगर है, यानी कि विनेगर का मेन कंपाउंड होता है, जो ही इसको स्ट्रॉन्ग एक खारा स्वाद और इसके फ्लेवर को भी ऐड करता है। रिसर्चर्स ये मानते हैं कि यही जो एसिडिक एसिड होता है ना, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी मात्रा 5-6% में होती है। ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर में एक सब्सटेंस होता है जिसको मदर कहा जाता है, वो मदर नहीं माँ वाली, ये कंपाउंड का नाम है, जो कि प्रोटीन, गुड एंजाइम्स और हेल्दी बैक्टीरिया से बनता है, जो इसे एक मर्की अपीयरेंस देता है। इसमें पाया जाने वाला जो एसिडिक एसिड है वो आपके बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरियास को मार के इसको मल्टीपल नहीं होने देता। ये सदियों से एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव जैसा भी काम करता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर ना हमारे बॉडी में प्रॉमिसिंगली जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करता है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है खाना खाने के बाद। अक्सर खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी इधर उधर हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एप्पल साइडर विनेगर खुद में ही लो इन कैलोरी है, इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम है और ये आपको फुलर फील करवाता है, आपके एपिटाइट को यानी कि आपके भूख को कंट्रोल करता है, जिससे आप कम कैलोरी इंटेक करते हो और ओवर ईटिंग से बच जाते हो, जो कि आपके ओवरवेट प्रोसेस को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ ये आपके डाइजेशन पावर को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। और अगर डाइजेशन पावर इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी में फैट कम स्टोर होता है, तो हुआ ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके वेट लॉस को कैसे मैनेज कर रहा है। कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, बट ये अभी भी प्रूवन नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल एसिडिक है और ये आपके स्किन के बैरियर को कंट्रोल करता है, और जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है या स्किन पे जो रेडिश की प्रॉब्लम बहुतों को होती है, बहुत लोगों का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। नो डाउट एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट इसको मॉडरेट अमाउंट में ही लेना चाहिए, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि बहुतों को पता ही नहीं होता कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा ले लेते हैं और इससे उनको बेनिफिट्स की जगह साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक एप्पल साइडर विनेगर कभी लिया ही नहीं है और आप सोच रहे हो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स उठाने हैं, तो आप शुरू में 5-10 ml से स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एज एंड वेट। धीरे धीरे आप इसको 10-30 ml तक बढ़ा सकते हो, बट दिन में इससे ज़्यादा नहीं लेनी होती है। कैसे लेना है, सिंपल सा है, फुल ग्लास ऑफ वाटर में आप जो भी आपकी मतलब की क्वांटिटी है, आप 15 ml लेना चाहते हो या 20 ml लेना चाहते हो, आप उसको उसमें डाइल्यूट कर दो और खाली पेट सुबह सुबह आप इसे पी सकते हो। इससे आपकी डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव होती है, इससे आपके वेट लॉस में काफ़ी सुधार आता है, ये नेचुरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने मदद करता है, शुगर को कंट्रोल करने मदद करता है। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं तो क्यों ना इस हैबिट को अपने लाइफ में इंक्लूड किया जाए, सुबह सुबह खाली पेट इसे पिया ही जाए। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।